मोदी सरकार में वैसे तो कई मंत्रियों ने शपथ ली, करीब 69 मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन जो एक नजर एक मंत्री पर टिक गई वो है 5,700 करोड़ से भी ज्यादा के मालिक। एक ऐसे मंत्री जो विदेशों में पढ़ाई कर चुके हैं और विदेशों से पढ़ाई करके जब वो राजनीति में आए, बहुत कम उम्र में राजनीति में आए, तो उन्होंने अपनी धमक जमानी शुरू कर दी। आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर पेन्नास्वामी की। चंद्रशेखर पेन्नास्वामी दरअसल ऐसे मंत्री बनाए गए, राज्य मंत्री हालांकि उनको ओहदा मिला, लेकिन वो TDP को जमीन से आसमान तक पहुंचाने वाले नेता हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पार्टी के महासचिव के पद पर भी काम कर रहे हैं, और जो चंद्रबाबू नायडू की छवि खराब हुई थी उसको आंध्र प्रदेश में वापस से सुधारने और पॉलिश करने के काम में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा। पेन्नास्वामी के बारे में एक बात और कही जाती है कि वो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उनके बारे में आंध्र प्रदेश में चर्चा ये रहती है कि संगठन में भी उनके पास लोगों की कोई कमी नहीं है। अगर चंद्रबाबू नायडू कुछ भी कह देते हैं तो वो मतलब कुछ घंटों में ही लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के मास्टर माने जाते हैं। वो दरअसल ठीक वही काम करते हैं जो BJP के लिए अमित शाह काम करते हैं। चंद्रबाबू नायडू के साथ पेन्नास्वामी ने एक अद्भुत इतिहास कायम किया है। TDP ने आंध्र प्रदेश की 16 सीटें जीती। अब जरा पेन्नास्वामी के बारे में आपको बता देते हैं। चंद्रशेखर पेन्नास्वामी ने गुंटूर सीट से जीत हासिल की और उन्होंने वाईएसआर के जो मौजूदा विधायक थे, जो किल्लारी वेंकटरोसैया चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें करीब 3.5 लाख वोटों से हराया। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो हारेंगे, लेकिन 3.5 लाख वोटों से उन्हें हराया। इसके साथ साथ चंद्रशेखर पेन्नास्वामी को कितने वोट मिले? 8,64,000। एक ऐसा उम्मीदवार जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है उसे एक बार में 8,64,000 वोट आ जाए, ये अपने आप में एक इतिहास की तरह है। पेन्नास्वामी ने साल 1999 में NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से MBA की पढ़ाई की। उसके बाद 2005 में अमेरिका की पेंसिल्वेनिया में गेंजर मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया और फिर वहां से पढ़ाई करने लगे। और अब चूंकि देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो चुनकर पहुंचे हैं, वहां वो बैठेंगे और अब उनको कौन सा मंत्रालय मिलता है इस पर सबकी नजर है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि उनका रौला, उनका रुतबा उनकी संपत्ति से, जो कि 5,700 करोड़ से भी ज्यादा है। हालांकि कहा यह जाता है कि जब गल्ला जयदेव TDP के बहुत सीनियर नेता थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली तो गुंटूर सीट पर फिर पेन्नास्वामी को उतारा चंद्रबाबू नायडू ने। अब जरा बात कर लेते हैं संपत्ति कितनी है उनके पास। एक तो गाड़ियों का लंबा काफिला है, 2 मर्सिडीज का, टेस्ला है, रोल्स रॉयस है। टेस्ला अभी इंडिया में आई नहीं, लेकिन पेन्नास्वामी के पास टेस्ला मौजूद है। राजनीति से इतर पेन्नास्वामी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि यू वर्ल्ड एक एजुकेशनल संस्था है जो कि ऑनलाइन लोगों को कोचिंग कराती है। यू वर्ल्ड के वो संस्थापक हैं और CEO हैं। इसके साथ साथ साल 2020 में उन्हें अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है, यानी कि वो हिंदुस्तान में सबसे यंग एंटरप्रेन्योर का खिताब भी हासिल कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जब उनको ये खिताब मिला था उसी दौरान वो मोदी की नज़र में भी आए थे। जो शिक्षण संस्थानों कोविड काल के बाद जिस तरह से शिक्षण संस्थानों का बूम चढ़ा था, उसी दौरान उनकी जो संस्थान थी यू वर्ल्ड, उसने एक मिसाल कायम की थी जिसकी तारीफ खुद मोदी ने भी की थी। साथ ही साथ भारत और अमेरिका की जो 100 से अधिक कंपनियां हैं उनमें उनका निवेश बताया जाता है, मतलब वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं। अमेरिका में भी उनकी कंपनी चलती है, वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों में उन्होंने निवेश कर रखा है और अब मोदी सरकार में वो राज्य मंत्री बनाए गए। अब TDP कोटे से 2 मंत्री बनाए गए हैं और पूरे गठबंधन के जो सहयोगी हैं NDA के, उनके कोटे से 12 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें TDP को 2 मिलाए। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि TDP 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद मांग रही है, लेकिन बाद में बात बन गई और सिर्फ दो सांसदों को मंत्री बनाया गया है TDP के 16 में से। एक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है और जिसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है वो सबसे यंग मंत्री बनने जा रहे हैं। और दूसरा चंद्रशेखर पेन्नास्वामी है जिनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। चंद्रबाबू नायडू ने 2 यंगेस्ट, मतलब अपनी पार्टी के TDP के सबसे यंगेस्ट चेहरों को आगे किया। पहली बार चंद्रबाबू नायडू का ऐसा प्रयोग उनकी पार्टी के फ्यूचर के लिए अच्छा माना जा रहा है। जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो उनके इस कदम को बहुत अच्छा बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का भविष्य उज्जवल देख रहे हैं 2 कदम से, क्योंकि दोनों जो नए चेहरे, एक की उम्र 36 साल, दूसरे की उम्र 49 साल, पेन्नास्वामी की उम्र 49 साल, यानी वो उस समतुल्य हैं
जिस उम्र के राहुल गांधी, तो अब पिन्ना सामी यहां से चूंकि पार्टी के वो महासचिव भी हैं तो पार्टी के कई निर्णायक फैसले वो लेते हैं। अब वहां से जब वो मंत्री बन रहे हैं तो आंध्र प्रदेश में पार्टी को वो किस ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, क्योंकि अभी पूरा 5 साल है उनके लिए अपने आप को स्थापित करने का, पार्टी के लिए काम करने का और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए काम करने का, तो अपने आप को कहां स्थापित कर पाते हैं ये देखना होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो एक विजनरी मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कहां किस दिशा में पैसे लगाए जाते हैं और कैसे पैसे कमाए जाते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी का एक रूल रहा है कि अगर भारत सरकार 1 रुपये लगाती है तो उस 1 रुपये से वो 3 रुपये कमाना चाहती है, तो इस पर भारत सरकार मतलब मोदी सरकार में ऐसे चेहरों को ज़्यादा मौके दिए गए हैं जो मोदी सरकार की इस पॉलिसी को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सके, और पिन्ना सामी का नाम उनमें से एक है। आप पिन्ना सामी के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे भी लेट हो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। अठे बैठ जाती, लेट जाती तो फिर वापस नहीं खड़ी हो पाती थी। इतने महीने आप इस बेड पे रहे? 7 महीने तक पड़ी रही मैं। ऐसे नहीं हो पाता था, ऐसे नहीं होगा तो दूध नहीं निकलेगा, वैसे तो ऐसे रहती थी। 5 महीने पहले जब आप बिस्तर पे थी ये कर पा रही थी? अरे मेरे को तो किसी ने सहारा दे दे के उठा उठा के खाना खिलाते थे। जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना वही करके दिखाऊंगी। ये लगभग कितने किलो की होगी? ये 35 के कम नहीं है। तो आप देखिए ये गठरी कितनी भारी है। डॉक्टर ने तो आपको वजन उठाने के लिए मना कर दिया था। हकीम साहब का एक गोंदसिया ने लिया मैंने तो मैं तो अपने आप उठ उठ कर काम करवा लगी। तो वो पूछते भी है कि तुमने ऐसी कौन सी दवाई ले ली जो पहले तो तेरे को सहारा मिलता और अब तो खुद सहारा बन गई तू सारा काम का। जो मंजू जी 5 से 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाती थी, 1 गिलास का पानी तक नहीं उठा पाती थी, आज देखिए वो कैसे। ये ताकत है गोंदसिया की, 1.5 महीने में ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया। अरे आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी।